Hello friends, welcome to all of you on our YouTube channel. I'm Srikant Kalindam. Friends, in today's video lecture, I'm going to discuss with you UGC NET June 2013 paper 2nd of Sociology. Question number 1st, match the following. List first concept or list second mein authors diye. Take your time. The correct answer is option A. Cultural lag. का कॉन्सेप्ट अकबर ने दिया है, फॉल्स कॉन्शियसनेस मार्क्स ने दिया है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड कॉन्टैक्ट जेम्स फ्रेजर ने दिया है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट डहरेंडॉर्फ ने दिया है। देखो फ्रेंड्स, अकबर ने बहुत ही सिंपल वे में बताया है कि जब मटेरियलिस्टिक कल्चर, इसमें कार हो सकती है, क्लोथिंग्स, स्कूल्स, कंप्यूटर और या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नई चीजें जब हम सोसाइटी में अडॉप्ट करते हैं, तो उस टाइम पे उस न्यू इक्विपमेंट्स को, न्यू चीजों को नॉन मटेरियल कल्चर रेजिस्ट करता है। उसमें पॉलिटिक्स आता है, लैंग्वेज आता है, कस्टम्स आता है, रिलीजन आता है, वैल्यूज आता है और बिलीफ आते हैं। तो जब हम देखते हैं कि समाज में कोई भी नई चीज आती है, तो जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, कस्टम्स है या हमारा पुराना किसी चीजों में विश्वास है, वह हमें नया कुछ करने के लिए मना करता है, रेजिस्ट करता है। फॉल्स कॉन्शियसनेस जो मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया है, क्या मतलब है फॉल्स कॉन्शियसनेस का? देखो, कार्ल मार्क्स यह कहते थे कि जब वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते थे, तो उन वर्कर्स को ये पता भी नहीं था कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जो कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, करोड़ों रुपए का पैसा वो कमाते हैं, बट वर्कर्स लोगों को बहुत कम सैलरी देते हैं, तो फिर भी वर्कर्स लोगों को लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, तो उसे कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं। और जब वर्कर्स लोगों को पता चलता है कि नहीं, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसे कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? क्लास कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन नंबर 2nd, फिल इन द ब्लैंक्स। एन इंस्टीट्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज रूल्स एंड प्रोसीजर। देखो, एक इंस्टीट्यूशन जब बनता है तो उसके लिए रूल्स एंड प्रोसीजर लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, जॉर्ज सीमेल्स क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप एज मोनाड, डायड एंड ट्रायड इज बेस्ड ऑन, टेक योर टाइम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, साइज ऑफ द ग्रुप। देखो, जॉर्ज सीमेल ने ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया है। कैसे? मोनाड का मतलब जब एक आदमी होता है तो उसे मोनाड कहते हैं, दो आदमी का ग्रुप अगर हो जाता है तो उसको डायड कहते हैं, और 3 आदमी का जब ग्रुप बनता है उसको ट्रायड कहते हैं। एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग विच इज मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस एंड सिमिलैरिटी इज कॉल्ड, टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कम्युनिटी। देखो, जब सोशल कोहेरेंस और सिमिलैरिटी होती है लोगों के बीच में, जिस सर्कल में आप लोगों के बीच में रहते हैं, अगर वहां पे सोशल कोहेरेंस हो और सिमिलैरिटी हो, एक जैसे लोग रहते हो, तो उसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको लोगों के बीच में कोहेरेंस, मिलाप दिखेगा और सिमिलैरिटी भी दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 5, सीडब्ल्यू मिल्स पर्सपेक्टिव टेक्स इनटू अकाउंट, टेक योर टाइम। The correct answer is option C, biography and history. देखो, C.W. Mills society का study करने के लिए biography और history का use करते हैं। Biography का उन्होंने individualistic experience के तौर पर use करना उचित समझा, और history का characteristic of society। अगर society के characteristic हमको देखने हैं, तो आप history पढ़ो, तो उस time का जो सोसाइटल एनवायरनमेंट होगा, उस को पढ़ने के बाद आपको सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक पता चलेगा। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए
सीडब्ल्यू मिल्स कहते हैं, बायोग्राफी और हिस्ट्री बोथ आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस मे नॉट बी कंसिडर्ड एज रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर। टेक योर टाइम, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर का ऑप्शन नहीं है, यह देखना है। करेक्ट आंसर इज मॉडर्नाइजेशन। देखो, प्रोलेटेरियनाइजेशन, इम्बोर्जुआइजमेंट और संस्कृताइजेशन, इन तीनों भी चीजों में एक रेफरेंस मॉडल देखा जाता है एक ग्रुप को और उसको फॉलो किया जाता है, बट मॉडर्नाइजेशन में वैसा नहीं होता है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में ओनली जो अच्छी चीजें हैं उनको ही फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। टेक योर टाइम, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्लिक, फैक्शन एंड कैकस। क्लिक का मतलब क्या होता है? क्राउड। फैक्शन का मतलब है गुट और कैकस का मतलब है मीटिंग। देखो, देर आर टू टाइप ऑफ ग्रुप्स, वन इज फॉर्मल ग्रुप एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? जो ग्रुप रजिस्टर्ड होता है, यानी कि कोई यूनियन हो या एनजीओ हो या पंचायत हो, ये सारी चीजें इन ग्रुप में रजिस्टर्ड होती है, मेंबर्स के नाम इन ग्रुप में रजिस्टर्ड होते हैं। बट अगर आप कोई क्राउड को देखेंगे तो क्राउड में कोई भी आ सकता है, क्राउड में तो कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं, तो वह इनफॉर्मल ग्रुप है। फैक्शन भी गुट, वह भी इनफॉर्मल ग्रुप है। और मीटिंग, यहां पर भी लोग बैठकर मीटिंग कर सकते हैं, तो वह भी फॉर्मल ग्रुप नहीं है। क्वेश्चन नंबर एट, हु आर्ग्यूड दैट द स्कूल प्रिपेयर चिल्ड्रन टू मूव टूवर्ड यूनिवर्सलिस्टिक स्टैंडर्ड एंड अचीव स्टेटस ऑफ अडल्ट सोसाइटी। टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज टालकट पार्सन। देखो, टालकट पार्सन कहते हैं कि स्कूल बच्चों को क्या करता है? प्रिपेयर करता है। स्कूल प्रिपेयर्स चिल्ड्रन टू मूव टूवर्ड यूनिवर्सलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। देखो, घर में तो बच्चों के इंडिविजुअलिस्टिक स्टैंडर्ड होता है, घर में हर माँ बच्चे को अच्छा ही कहती है, तो वह कभी बुरा नहीं कहती, या हर घर का मेंबर एक दूसरे को एक ही स्टैंडर्ड से देखता है, वह इंडिविजुअलिस्टिक स्टैंडर्ड होता है। बट अगर आप स्कूल में जाओगे तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहां पे आपका स्टैंडर्ड यूनिवर्सलिस्टिक होगा। स्कूल प्रिपेयर चिल्ड्रन टू मूव टूवर्ड यूनिवर्सलिस्टिक स्टैंडर्ड्स एंड अचीव्ड स्टेटस ऑफ अडल्ट सोसाइटी। अचीव्ड स्टेटस ऑफ अडल्ट सोसाइटी, देखो सोसाइटी में स्टेटस क्या होता है? अचीव्ड होता है। अगर आप कुछ काम करते हो अच्छा, तो लोग आपको अच्छा मानेंगे, आपका स्टेटस अच्छा हो जाएगा। बट घर में कैसा होता है? घर में एस्क्राइब्ड होता है। घर में आपका स्टेटस बनाने के लिए आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, घर में आपका स्टेटस बाय बर्थ ही आपका स्टेटस होता है। तो स्कूल क्या करता है? स्कूल बच्चों को प्रिपेयर करता है समाज में किस तरह से उनको आगे जाके व्यवहार करना है। क्वेश्चन नंबर नाइन, हु डिफाइंड रिलीजन इन टर्म्स ऑफ ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द सैक्रेड एंड प्रोफेन। टेक योर टाइम, किसने रिलीजन को सेक्रेट और प्रोफेन चीजों में डिवाइड किया है? करेक्ट आंसर इज इमाइल दुर्कायम। इमाइल दुर्कायम कहते हैं, रिलीजन में दो टाइप की चीजें होती है, एक सेक्रेट चीजें होती है और दूसरी प्रोफेन चीजें होती है। सैक्रेड चीजें क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, हिंदू रिलीजन में गाय को सैक्रेड माना जाता है, तो मुस्लिम रिलीजन में पिक को प्रोफेन माना जाता है,
और एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई मंदिर हो उसको हम सैक्रेड रखते हैं, दूसरी चीजों से अलग रखते हैं मंदिर में, जब जो बेसिकली जहां पे भगवान को रखा जाता है वह उस जगह को हम सैक्रेड प्लेस बनाते हैं। तो इमाइल दुर्कैम कहते हैं, रिलीजन इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सैक्रेड एंड प्रोफेन। रिलीजन में क्या होता है, बेसिकली सैक्रेड एंड प्रोफेन दो ही दो चीजों को दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, एक होती है सैक्रेड और दूसरा होता है प्रोफेन। द कैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन ग्रुप और इंस्टीट्यूशन टू इश्यू कमांड्स इज कॉल्ड, टेक योर टाइम, इजी क्वेश्चन है, अथॉरिटी। देखो द कैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन की कैपेसिटी और ग्रुप की कैपेसिटी और इंस्टीट्यूशन की टू इश्यू कमांड, किसी को कमांड इशू करना है तो उसको क्या कहा जाता है, किसी को आदेश देते हैं हम। आदेश कब देते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, अथॉरिटी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू CW मिल्स द पावर इलिट इन अमेरिका कंप्राइजेस दोज हु होल्ड कमांड पोस्ट इन, टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द मेजर बिजनेस corporations, the military, third, the federal government। देखो अमेरिका में पावर इलिट CW मिल्स जो है इन तीन ग्रुप्स को पावर इलिट कहते हैं, यानी कि इनके पास अमेरिका का पूरा पावर है, इनके पास, मिलिट्री के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास और वहां के मेजर जो बिजनेसमैन है उनके पास। क्वेश्चन नंबर 12, हु आर्ग्यूज दैट क्लासेस शुड बी डिफाइंड एज इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, टेक योर टाइम, करेक्ट ऑप्शन इज राल्फ डहरेंडॉर्फ। देखो राल्फ डहरेंडॉर्फ मॉडर्न सोसाइटी जो है उसको वह इंपेरेटिव कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन से कनेक्ट करते हैं। देखो राल्फ डहरेंडॉर्फ का यह कहना था, वह एक कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स थे, वह कहते हैं कि कुछ सुपर ऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि कुछ लोगों के पास पावर होती है और कुछ सब ऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स कहता था हैव से और हैव नॉट से। बट यहां पर डहरेंडॉर्फ यह कहते हैं कि सुपर ऑर्डिनेट जो है वह सुपर ऑर्डिनेट इसलिए है क्योंकि उनके पास पोस्ट है, बट उनके भी ऊपर और कोई होगा जो उनसे भी सुपर ऑर्डिनेट होगा, और वह सुपर ऑर्डिनेट अपनी पोस्ट का यूज अपना डोमिनेशन क्रिएट करने के लिए बनाता है और सब ऑर्डिनेट जो है वो डोमिनेटेड होते हैं हमेशा। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर उन्होंने दिया है बेसिकली राल्फ डहरेंडॉर्फ ने। तो वह कहते हैं एवरी सोसाइटी चेंज इज एवरीवेयर, उनका यह कहना था कि हर सोसाइटी में चेंज था और हर सोसाइटी में एक चेंज होता है और चेंज कहाँ है, हर जगह पर चेंज है। सेकंड वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इज एवरीवेयर, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह पर होता है, चाहे वो आपका कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था और सोशलिज्म में या कम्युनिज्म में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बट राल्फ डहरेंडॉर्फ कहते हैं कि हर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। थर्ड उन्होंने दिया है एवरी एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट फॉर डिसइंटीग्रेशन एंड चेंज। एवरी सोसाइटी में एवरी एलिमेंट होता है, सोसाइटी का कोई भी एलिमेंट्स हो, वह डिसइंटीग्रेशन एंड चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा डहरेंडॉर्फ कहते हैं। फोर है एवरी सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कोर्शन ऑफ सम ऑफ इट्स मेंबर्स बाय अदर्स, हर सोसाइटी में कुछ लोगों को डोमिनेट किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
फॉर राल्फ डारेंडॉर्फ ए पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. राल्फ डारेंडॉर्फ कहते हैं पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वह कैसी है, डीकंपोजिशन ऑफ कैपिटल. कैपिटल देखो फ्यूडलिज्म में क्या था, खाली फ्यूडल लोगों के पास ही अकेले कैपिटल था और एक ही फ्यूडलिस्ट था जो मास्टर था और बाकी के उसके खेत में जितने भी लोग काम करते थे सारे स्लेव्स थे. बट राल्फ डारेंडॉर्फ कहते हैं पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वैसा नहीं है. पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैपिटल जो है उसका डीकम्पोजिशन हुआ है, हर कंपनी का खाली ओनर ही पूरे कंपनी का मालिक नहीं होता, तो उसके साथ साथ उसमें जो मैनेजर्स है उनके पास भी पावर होती है और बहुत सारे पोस्ट होते हैं, एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं. डीकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल. सेकंड है डिफ्रेंसिएशन ऑफ लेबर. थर्ड है डायमंड लाइक क्लास स्ट्रक्चर. पहले मास्टर एंड स्लेव ही थे बट अभी ऐसा नहीं है, अभी कंपनी के ओनर होंगे, फिर मार्केटिंग करने वाले होंगे, मैनेजर्स होंगे, बहुत सारे एचआरस होंगे और उसके बाद वर्कर्स भी होंगे. तो अभी क्लास स्ट्रक्चर अलग है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर का है, पहले जैसे नहीं है. रेगुलेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. देखो अगर पहले कॉन्फ्लिक्ट होता था तो क्या होता था, टोटल होल सिस्टम चेंज होता था. लेकिन अभी अगर कहीं पे स्ट्राइक होता है तो उसका रेगुलेशन और रूल्स के हिसाब से ही वह स्ट्राइक होता है और स्ट्राइक होने के बाद में कंपनी तुरंत बंद नहीं हो जाती आपके टाइम पे, तो उसका रेगुलेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया जाता है, उन लोगों को समझाया जाता है मैनेजर्स के द्वारा और बहुत सारे लोग होते हैं उनको समझाया जाता है. तो कॉन्फ्लिक्ट अगर हो भी गया तो उसका असर सीधे कैपिटलिस्ट जो लोग है, जो ओनर है, ओनर ऑफ कंपनी, उनके ऊपर नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड मी विथ रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ वॉज यूज बाय, टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज जीएस मिड. देखो कॉन्सेप्ट जो है आई और मी का विथ रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, सेल्फ के डेवलपमेंट के टाइम पे आई और मी का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो जीएच मिड ने यह कॉन्सेप्ट दिया है. जीएच मिड कौन थे, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थे. क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज अजर्शन एंड द अदर एज रीजन. Assertion A, personality system gets integrated into the social system through socialization. Reason, socialization helps actor to develop skills to play roles in society. Take your time. Correct answer is option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Dekho, personality system get इंटीग्रेटेड इन टू सोशल सिस्टम थ्रू सोशलाइजेशन. देखो इंडिविजुअल आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है उसका इंडिविजुअलनेस होता है, वह जब वह सोसाइटी में आता है, लोगों के बीच में आता है, पीयर ग्रुप के बीच में आता है, कॉलेज में जाता है, ग्रुप में वह रहता है, तो सोसाइटी में उसका इंटरेक्शन लोगों से जब होता है तो उसका सोशलाइजेशन होता है और सोशलाइजेशन हेल्प्स एक्टर टू डेवलप स्किल टू प्ले रोल्स इन सोसाइटी. सोशलाइजेशन क्या हेल्प करता है एक्टर को, यानी कि एज ए इंडिविजुअल को, कि सोसाइटी में उसका जो रोल है वह प्ले करने के लिए सोशलाइजेशन उसको हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटस ग्रुप अकॉर्डिंग टू Max Weber is characterized by, take your time, lifestyle. देखो Karl Marx ये कहते थे कि society में there are only two type of people, one is haves and second is have nots. कुछ पैसे वाले हैं, कुछ गरीब है,
बट मैक्स वेबर सोसाइटी को जब डिवाइड करते हैं तो नहीं, वह कहते हैं कि एक स्टेटस ग्रुप भी होता है जो लाइफस्टाइल के ऊपर जिनको जिनको हम पहचान पाते हैं। लाइफस्टाइल कैसा है उसी के हिसाब से कुछ लोगों को हम पहचान पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द टेक्नोलॉजिकल डिटरमिनिस्ट ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज में टेक्नोलॉजिकल डिटरमिनिस्ट किसको हम मानते हैं? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है थॉर्स्टेन वेबलेन ने कहा है टेक्नोलॉजी इज द एजेंट ऑफ सोशल चेंज। थॉर्स्टेन वेबलेन का यह मानना था कि सोसाइटी में जितने भी चेंजेस आ गए हैं ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसीलिए उनको टेक्नोलॉजिकल डिटरमिनिस्ट कहा जाता है। टेक्नोलॉजी सोसाइटी को चेंज करती है और सोसाइटी न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करती है, ऐसा थॉर्स्टेन वेबलेन मानते थे। क्वेश्चन नंबर 18, द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव दैट हजर्ड्स दैट देयर आर डिसर्नेबल स्टेजेस विच द सोसाइटी गोज थ्रू मोर देन वंस और इवन रिपीटेडली इज टर्म एज। टेक योर टाइम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी साइक्लिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी। देखो साइक्लिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी में क्या होता है, सोसाइटी गोज थ्रू मोर देन वंस और इवन रिपीटेडली, सोसाइटी एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह और फिर तीसरी जगह से फिर पहली जगह पे आ जाती है, साइक्लिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी उसी को हम कहते हैं। ऐसा नहीं यूनिलीनियर इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या होता है, जैसे कि ऑगस्ट कॉम्टे का है थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल और पॉजिटिव, तो उसमें सोसाइटी खाली आगे ही चली जाती है, लेकिन साइक्लिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी में वैसा नहीं होता, वो साइक्लिकल यानी कि सर्कल के हिसाब से चलती है। ड्रॉ करता हूं मैं साइक्लिकल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइबर्स सोसाइटी एज सुई जेनेरिस। टेक अ टाइम। करेक्ट आंसर इज इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम ऐसा मानते थे सोसाइटी अपने आप में ही सब कुछ है, सोसाइटी इंडिविजुअल लोगों से बनी है ठीक है, बट सोसाइटी का अगर आपको स्टडी करना है तो इंडिविजुअल लोगों का स्टडी करना जरूरी नहीं है, तो सोसाइटी ही अपने आप में परफेक्ट है। सुई जेनेरिस का मतलब है ए थिंक इन इटसेल्फ, सोसाइटी ही अपने आप में सब कुछ है, ऐसा इमान दुर्खी मानते थे। बट उसके बाद अगर आप पॉजिटिविज्म और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में जो थिंकर्स है, जैसे कि फेनोमेनोलॉजी हो गया, तो फेनोमेनोलॉजी में जो थिंकर्स है वो मानते हैं कि नहीं, मोटिव्स, लोगों के मोटिव्स और कॉन्शियसनेस यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि होल सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही हमको स्टडी करना नहीं चाहिए, तो मोटिव लोगों के और कॉन्शियसनेस ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन पार्सोनियन स्कीम ऑफ पैटर्न वेरिएबल। टेक योर टाइम।
देखो इन्होंने यहाँ पर आंसर इस साल में गलत था, बट फिर भी हम पैटर्न वेरिएबल क्या है यह देखेंगे। टॉलकॉट पार्सन एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन यह बुक लिखा है। तो उस बुक में स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में उन्होंने पैटर्न वेरिएबल दिया है। क्या मतलब होता है पैटर्न वेरिएबल का? पैटर्न वेरिएबल यानी कि जब एक्टर कोई एक्शन करता है, सोशल एक्शन करता है, तब उसके सामने डायलेमा होता है। तो डायलेमा जब उसके सामने होता है तो वह दोनों में से एक चीज चूज करता है। तो वह डायलेमा क्या है? तो उस डायलेमा को हैंडल करने के लिए इंडिविजुअल एक्टर ये जो पैटर्न वेरिएबल दिया है इनमें से गुजरता है। तो इसमें से अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी करेक्ट है। दूसरा सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेशन। कई बार घर में हम खुद के बारे में सोचते हैं, बट जब बाहर निकलते हैं तो अपने कंट्री के बारे में, अपने गांव के बारे में भी सोचते हैं। पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म, अपने अभी मैंने डिस्कस किया था स्कूल का एग्जांपल। बच्चा घर में पर्टिकुलर रहता है लेकिन स्कूल में वैल्यूज और स्टैंडर्ड उसके यूनिवर्सल होते हैं, ये गलत है। लोकलिज्म वर्सेस ग्लोबलिज्म। फिफ्थ क्वालिटी वर्सेस परफॉर्मेंस। देखो घर में अगर कोई इंडिविजुअल अच्छा काम करता है तो उसकी क्वालिटी देखी जाती है, बट वही बाहर आप अगर परफॉर्म बाहर आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है यह कोई नहीं देखता। तो बाहर आप जब वर्क करोगे तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस कैसा है वह देखा जाएगा। डिफ्यूजन वर्सेस स्पेसिफिसिटी। कभी हम स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं तो वही कभी हम डिफ्यूजन यानी कि अलग अलग चीजों के बारे में हम बात करते हैं। इवोल्यूशन वर्सेस रिवोल्यूशन यह उन्होंने नहीं दिया था। चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।